लव फिर आपको बता रहे थे 4.1920 हो गया आपका, आपका हो गया 4.19 और 20, आप नहीं कर पाओगे या करना है मुझे? 19 और 20 इसने कर लिया ना। टू जीरो कर लोगे, करोगे ट्राई या करना है डिस्कस बताओ, हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा 4.26, ये डाउट डाउट है इनका क्वेश्चन। किसने किया इसको घर में आप लोगों में से? हो गया ना, कुछ भी नहीं है, बस ग्रेविटी की फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के रिजल्टेंट को दूसरी मैग्नेटिक फोर्स से सपोर्ट करना है। बस एक ग्रेविटी की फोर्स है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर सपोर्ट फोर्स है। तो इसमें 60 सेंटीमीटर सो लिया हुआ लेंथ को सोलनाइड को, राइट? तो कैपिटल एल लिख लो आप, 6.6 मीटर्स कैपिटल एल है ना। रेडियस की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसमें, रेडियस इज नो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। थ्री लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न्स, तो स्मॉल एन लिख लो आप, स्मॉल एन कितना आ जाएगा? स्मॉल एन आ जाएगा 3000/6, 5000 टर्न्स पर मीटर, क्योंकि उसको ऐसा ही में लोगोगे ना, टर्न्स पर मीटर, स्मॉल एन। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर कितना आएगा सोलनाइड में? 300/0.6 वो आ जाएगा, 3000/6 वो आ जाएगा, 500 टर्न्स पर मीटर, तो ये आ जाएगी। अगर आप समझ पा रहे हो तो स्मॉल एन की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 500 टर्न्स पर मीटर, ये आ जाएगी कि नहीं? ठीक है, चेक कर लो, 300/0.6 समझ में आ जाएगा, 3000/0.6। और लेंथ ऑफ द सोलनाइड इज कैपिटल एल, अभी शायद जरूरी नहीं होगी देखना, तो ये तो 300 टर्न्स पर मीटर आया ना, तो लेंथ की अभी जरूरत पड़ेगी इसमें? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वायर की लेंथ है ये तो। चलो एनीवे आगे देखो बेटा, तो 300 टर्न्स, तो वायर की लेंथ है 2.5 ग्राम्स, तो इसका वायर का मास है 2.5 × 10⁻³, तो ये ऐसे वायर है अभी, ठीक है, सोलनाइड के अंदर इस तरीके से, ये डायग्राम ने दिया हुआ है कि वायर और सोलनाइड की एक्सिस दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करते हैं, यही दिया हुआ ना। द वायर इज कनेक्टेड थ्रू टू लीड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलनाइड टू एन एक्सटर्नल बैटरी, बस अब ऐसे दो पैरेलल लीड्स है ऐसे इस तरीके से, ये एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, बस दैट्स ऑल। सो दिस एक्सटर्नल बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट थ्रू द वायर, ठीक है ना, एक्सटर्नल बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द वायर ऑफ 6 एम्पियर्स, व्हाट वैल्यू ऑफ करंट इन द वाइंडिंग्स कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर, ठीक है। तो अब ये यहां से कनेक्ट है ना ऐसे, और ये यहां से कनेक्ट है ऐसे, लाइक दिस, सो दिस मेक्स अ करंट फ्लो इन दिस वे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें दो आंसर आ जाएंगे कि इन्होंने डायरेक्शन तो स्पेसिफाई की नहीं हुई है, व्हाट वैल्यू ऑफ करंट विद एप्रोप्रिएट केस सेंस ऑफ सर्कुलेशन कैन सपोर्ट, ठीक है, तो द वायर लाइन द एक्सिस द वायर इज कनेक्टेड टू पैरेलल, तो आई थिंक इसमें जो टॉर्क लगनी है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगनी चाहिए इस वायर के ऊपर, वो अपवर्ड्स लगनी चाहिए, जो इनका मतलब आइडिया करने का, तो लाइक इफ द टॉर्क हैज टू एक्ट अपवर्ड्स, तो दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स हैज टू बैलेंस ग्रेविटी, दैट्स ऑल। अब ग्रेविटी की फोर्स कितनी आ जाएगी इसके साथ? 2.5 × 10⁻³ × 9.8, और मैग्नेटिक फोर्स आप देख लो, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पैरेलल होती है वायर के, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे होना है? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे होना पड़ेगा, ठीक है, तो जो हमने डायग्राम बनाया वो थोड़ा रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगे, तो मैग्नेटिक फोर्स हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, सो वी हैव टू, वी वांट अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन,
मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरफ चाहिए, तो दैट मीन्स दिस वायर विल गो थ्रू द सोलेनोइड। सोलेनोइड अगर ऐसे आ रहा है, ये सोलेनोइड है, तो जो वायर है अंदर वो ऐसे आएगी, अगर ये सोलेनोइड है ऐसे, तो ये वाला जो डायग्राम ना ये ओके नहीं है। बट डायग्राम की इसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आनी चाहिए। तो दैट मीन्स द ये जो व्हाइट वाली वायर मैंने दिखाई है, इसको यहाँ से रिमूव कर दो आप, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस वायर ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। और अब वायर को आप ऐसे लगा दो, ये जो व्हाइट वाली वायर है ये ऐसे चली जाएगी, इस तरीके से वायर आ जाएगी, ये वायर है और ये ऐसे कनेक्ट है बैटरी से, समझ में, इस तरीके से। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स डोंट मैटर, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो वो इतने मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फोर्स को एमजी से बैलेंस करना है, दैट्स ऑल। और बाकी चीजें, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आएगी आई एल क्रॉस बी, लेकिन क्योंकि इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो आई एल बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। आई एल बी मीन्स करंट कितना है 6 और लेंथ कितनी है 2, और बिल्कुल सिंपल तो कैलकुलेशन है, सब वैल्यूज ही पुट करनी है, 6 × 2 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर्स को हमने इसको 2 को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे करना है μ0 small n, ये क्वेश्चन बन जाएगी बस इसमें। अब आप μ0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 4π × 10⁻²⁷ small n आ रहा है 500, और अब आपको I की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड, यही करना है और कुछ भी नहीं है, आ जाएगा सुन में, तो इसमें तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई डोंट थिंक सो। बस ये आपको विजुलाइज करना है कि अगर सोलेनोइड ऐसे है, इसके टर्न्स हैं, तो जो वायर अंदर आएगी वो ऐसे आएगी, ठीक है, और ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सोलेनोइड की एक्सिस भी और वायर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दैट्स ऑल। और एमजी अगर ऐसे है, तो वायर में से अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आई एल क्रॉस बी, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो आई और बी, आई एल क्रॉस बी ऐसे आ रहा है, तो इस तरफ ही लेना पड़ेगा, आई ऐसे और बी ऐसे, इस तरफ, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप कहते हो तो मैं और डिटेल में समझाता हूँ, बट इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आ जाएगा समझ में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो बताओ बेटा, ये तो ईजी है, देखो ना, जो ट्राई कर रहा है उसको थोड़ी सी विजुलाइजेशन अपने आप से हो जाएगी इसकी। और आपने सारे कर दिए, ऑल क्वेश्चंस यू डिड, आपके हो गए सारे, बाकी इंपॉर्टेंट है 19 और 20, जैसे मैंने कंसेप्ट बताया ना, 20 को बहुत बार आता है बोर्ड के पेपर में, पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। वैसे नाम देख के मत घबराना, वो पहले दिया हुआ इन्होंने हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स, बस ये है कि इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है आपको अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब करना है, क्या कर लोगे, आपने कर दिया ये नहीं आता नहीं था आपको, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये तो जो आपने पहले पढ़ा, कल के आओ, नहीं तो कल ट्राई करेंगे सब लोग, ट्राई करें, हाँ तो आप करके आना कल, अगर आपको नहीं कर पाओगे तो फिर कर लेंगे कल इसको क्लास में डिस्कस, क्योंकि आप लोगों का करना जरूरी है, तो वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। लॉ फिर हम ये टॉप के एप्लीकेशन का एक आर्टिकल है बेटा, वो करते हैं, क्योंकि हमारा इतना ही काम है, जस्ट 1 or 2 days में जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टॉक ऑन अ करंट लूप, तो इसके साथ रिलेटेड जो आपका एक आर्टिकल है, वो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था, तो लाइक लेट अस डील विद मेजरमेंट ऑफ करंट, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी आपको ये चीज यू कैन व्यू इट, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन है ये जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, MCG, MCG इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट यू कॉल एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो अगर आप प्रॉब्लम घर से पढ़ के आओगे तो हम क्लास में फास्टर कर सकते हैं और आपको भी समझ में आएगी, अगर आप घर से पढ़ के नहीं आओगे तो फिर इतना अच्छा नहीं है वो, ठीक है ना, आपको सिर्फ सॉल्यूशन देख के फायदा नहीं होगा उसका, ओके, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट अगेन ऑन योर ओन, चाहे उसको कितनी भी बार पढ़ लो, इसलिए घर से जरूर पढ़ के आओ प्रॉब्लम्स को ना। तो देखो बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली यू कैन से इट इज द हार्ट ऑफ बोथ अ वोल्टमीटर एज वेल एज एन एमीटर, मतलब अगर आपको वोल्टमीटर और एमीटर दोनों बनाने हैं तो उनके कंस्ट्रक्शन बेसिकली यही एक कॉम्पोनेंट है, उनके हार्ट में यही अंदर वही चीज है। सो बेसिकली एमिटर एंड वोल्टमीटर आर फंडामेंटली द सेम थिंग, इट डजंट लुक लाइक दिस, आप लोगों को मालूम है डिफरेंस कि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए और एमिटर की रेजिस्टेंस जीरो होनी चाहिए, मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल। सो ये तो आपको पहले से मालूम है कि वोल्टमीटर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का होना चाहिए और एमिटर बिल्कुल कम रेजिस्टेंस का होना चाहिए, तो एक ही चीज से दोनों कैसे बन सकते हैं, वो रेजिस्टेंस तो हम ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन बेसिक डिवाइस दोनों में ऐड करने का मतलब अंदर इसके ऐड हो जाती है रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसमें अगर नहीं करेंगे ऐड तो दैट मीन्स वो एमिटर बन जाएगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझना मेन चीज पहले,
तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली उसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ठीक है, द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो वन लाइन में ही आता है, व्हेन वी प्लेस अ मैग्नेटिक, व्हेन वी प्लेस अ कॉइल इन अ, व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे व्यू कर सकते हैं, ठीक है, इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कॉइल एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो अब ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है उसकी वजह से करंट कैसे मेजर होता है, अब देखते हैं, अब करंट कैरिंग मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड फील्स अ टॉर्क, तो उस टॉर्क को यूज करके हम करंट कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर आप देखो पहले, तो सबसे पहले इसमें देयर आर टू मींस मैग्नेटिक पोल्स व्हिच आर कनकेव शेप्ड, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे जो कनकेव शेप के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, सो दे आर यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मींस फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम इन पोल्स के बीच में, अगर हम फ्लैट पोल्स लेंगे तो देन दैट कैन क्रिएट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर बिल्कुल फ्लैट पोल्स लेते हो ऐसे, यू कुड हैव टेकन दिस काइंड ऑफ पोल्स बट देन वी विल नॉट गेट द काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर विच वी वॉन्ट, बिकॉज ये एक एडवांस फील्ड है जिसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं, हाउ डिवाइसेज एंड कॉम्पोनेंट्स आर डिजाइन। So if we want a linear scale or if we want a circular scale with uniform spacings, तो ये वाली magnetic field जो इसके इनसे create होगी वो ज़्यादा relevant है। ऐसे magnetic poles नहीं use करते इसमें flat, ठीक है, अगर इनको flat poles को सामने आमने सामने रखेंगे तो uniform magnetic field आएगी, लेकिन ये field ज़्यादा important है इसमें, तो इसकी वजह से radial magnetic field आएगी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था इसकी lines ऐसे चलती हैं, अगर आप ऊपर से view कर रहे हो तो magnetic field lines go like this, तो अगेन ड्राइंग विद दिस थिक मार्कर इज डिफिकल्ट, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ पे तो अच्छे डायग्राम में यहाँ पे 50-60 लाइंस ड्रॉ की होती हैं अच्छी बुक्स में, जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक्स आती हैं उनमें बढ़िया डायग्राम्स बना होता है ऐसे। और ये जो इसको हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको रेडियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब आप ऊपर से देख रहे हो तो ये एक सर्कल है, दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल है और सर्कल में रेडियस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चल रही हैं ऐसे। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहां से फील्ड लाइन बाहर निकल के साउथ पोल में अंदर एंटर कर रही है। तो ऊपर से देखने से ऐसे एक सर्कल अगर आप इमेजिन करते हो, ऊपर से एक सर्कल इमेजिन कर लो, ये सर्कल आपको दिख रहा है, तो फील्ड लाइन ऐसे 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 इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है, समझे आपको, ऊपर से देखने से ये सिचुएशन लग रही है, ये ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये ऐसे आई और ऐसे चली गई घूम के ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है ऊपर से देखने से, ठीक है, तो इस तरीके से। तो अगर आप ऊपर से व्यू करते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रेडियली चल रही है, रेडियस के साथ साथ ऐसे और फिर ऐसे बाहर की तरफ, समझ में। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल मैग्नेट, इट इज नो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, बिकॉज यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा पास पास है, ठीक है, और डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिफॉर्म नहीं आ रही है, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म बट इट इज रेलिवेंट इन दिस डिवाइस, इसका ही यूज करते हैं, ठीक है, रेडियल फील्ड इज नॉट डिफाइंड, रेडियल फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ये याद रखना चाहिए, ये वाला समझ में आएगा व्यू ऊपर से आपको, पहले किया था हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था तब मैंने कि व्हाट अ रेडियल फील्ड लुक्स लाइक। तो अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विच इज बेसिकली द हार्ट ऑफ अ एमीटर एज वेल एज अ वोल्ट मीटर, इट बेसिकली कंटेन्स टू कनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स, टू कनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स विच आर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ दिस, ये पोल पीसेस बोलते हैं इनको, एक नॉर्थ पोल का पीस है, एक साउथ पोल का पीस है, और फिर आगे दूसरे पोल्स भी आ जाएंगे, वो हमें नहीं मालूम कहाँ है। अब इसमें आप देखो, इसमें बीच में एक कॉयल रखते हैं, कॉयल मतलब अ मेटल वायर ऑफ मेनी टर्न्स, रेक्टेंगुलर कॉयल ले सकते हैं, लेकिन यूजली क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल ड्रम लेके, ये फेरोमैग्नेटिक मेटल का सिलेंड्रिकल ड्रम ले सकते हैं इसमें हम, जैसे सॉफ्ट आयरन का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब इस सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर मेटल की वायर की वाइंडिंग कर दी जाती है ऐसे, हंड्रेड्स ऑफ टर्न्स, इस डायग्राम में नहीं पता चलेगा कितने टर्न्स आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ टर्न्स ऑफ अ मेटल वायर कैन बी वाउंड ऑन अ सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का क्या काम हो सकता है, हमने पहले पढ़ा था कि सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनको कॉन्सेंट्रेट कर देता है, कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी दूर है उनको भी पास नहीं आएगा, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहां पर एक कॉयल लिपटी हुई है, वेयर द कॉयल हैज बीन वाउंड, the magnetic field is turned into a strong magnetic field by the soft iron core. The core of the soft iron will increase the strength of the magnetic field over that section where the circular, where the rectangular wire has been wound. जहाँ पे wire wind की हुई है,
तो क्योंकि उसमें खुद इंडक्शन हो जाती है और वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड लाइंस पास आती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये जो आपका सिलिंड्रिकल कोर है इसको हम कोर बोल देते हैं, और ये सिलिंड्रिकल ड्रम, सिलिंड्रिकल ड्रम को यहाँ रखा जाता है ऐसे, इट इज प्लेस्ड ओवर हियर इस तरीके से, ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सिलिंड्रिकल ड्रम आपके पास, तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का बना हुआ और इसी के ऊपर वायर की वाइंडिंग हुई है। तो ये जो वायर की वाइंडिंग है इसको मैं एक टर्न दिखा देता हूँ अभी, बट लॉजिकली स्पीकिंग इट कैन हैव मेनी टर्न्स, ठीक है, राइट नाउ आई एम शोइंग वन टर्न ओनली। तो बिकॉज वायर के दो एंड्स होंगे, ये जो वायर है इसको हमने कहीं से, ये एक एंड है इसका, जब आपने इसको लपेटना शुरू किया पहले एक एंड है, फिर आपने इसकी वाइंडिंग शुरू कर दी, फिर वाइंडिंग करने के बाद सपोज ये इसका दूसरा एंड है, खत्म कर दोगे जब, सपोज आपने 50 टर्न्स वाइंड कर दिए, इट नीड्स टू हैव टर्न्स, ठीक है। अब ये जो टर्न्स है इन्हीं को ऐसे ऊपर लाकर यहां पर रख के छोड़ देते हैं, ठीक है, और करंट यहां से एंटर करता है, यहां से एंटर करके करंट इस कॉइल में घुस जाएगा। जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा इसके, क्योंकि ये पहले से मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, जो आपकी करंट कैरिंग, जो ये करंट, जो ये कॉइल है ए बी सी डी मान लेते हैं इसको, दिस कॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एज सून एज अ करंट इज फ्लोन थ्रू इट व्हाट हैपेंस। तो उसको समझने के लिए पहले इस वायर को एक बार हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो आप यहां पे इमेजिन करो, यहां पे एक स्केल लगा हुआ ऊपर ऐसे सर्कुलर स्केल, ठीक है, दिस वे ये सर्कुलर स्केल है, और यहां पर एक नीडल ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है, एक नीडल, जैसे आपको मैंने पहले बताया था ना एमीटर और वोल्टमीटर देखने में कैसा लिखता है, इस तरीके से एक थ्री डायमेंशन में आपको इमेजिन करना है, और यहां पे एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, यहाँ पे नीडल होती है ऐसे, यहाँ पे ए लिखा है तो एमीटर होता है और बी लिखा है तो वोल्ट मीटर, और यहाँ पे दो स्क्रूज होते हैं, एक ब्लैक कलर का स्क्रू होता है और एक रेड कलर का स्क्रू होता है। ये तो सब लोगों ने देखा होगा स्कूल में, कोई ऐसा बच्चा जिसने वोल्ट मीटर एमीटर दे हैव नेवर व्यूड, ऑल ऑफ यू हैव सीन, एवरीवन हैज सीन वोल्ट मीटर एमीटर। तो इसके अंदर तो यही चीज है, चाहे एमीटर है चाहे इन साइड ऑफ दैट इट इज दैट्स ओनली द सेम थिंग। और ये जो ऊपर एक सर्कुलर स्केल है, ये फ्लैट स्केल है, मतलब ये नीडल है ऐसे ऐसे रेस्ट कर रही है, और यहाँ पे स्केल है ऐसे, और यहाँ पे ये जो कनकेव शेप के मैग्नेटिक पोल्स हैं, अगर हम बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देंगे, यहाँ सिलिंड्रिकल ड्रम रखा हुआ है बीच में और ऐसे। तो एज लॉन्ग एज नो करंट फ्लो थ्रू दिस वायर, इसमें से कोई करंट जब तक फ्लो नहीं कर रहा तब तक क्या होगा, तब तक लेट्स इमेजिन कि ये नीडल यहाँ रेस्ट कर रही है। एग्जैक्ट डिटेल थोड़ी बहुत अलग होती है, इतनी सिंपल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक बार विजुलाइज करने के लिए आप सोच सकते हो। तो अभी करंट इंडिकेट कर रही है जीरो, मैग्नेटिक फील्ड तो है बट वाई दी करंट इज इंडिकेटेड इज जीरो। तो वो तो अरेंजमेंट हमने ऐसा किया हुआ है कि ये जो सर्कुलर स्केल है यहाँ पे जो ऊपर बनाया हुआ है, जब कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करता है तो नीडल को ऐसे फिक्स अप किया हुआ है हमने, वी हैव फिक्स्ड अप द नीडल इन सच अ वे दैट इट शुड पॉइंट अगेंस्ट जीरो, दिस ऑल इन आवर हैंड्स, नो वन एल्स इज डिजाइनिंग, वी आर डिजाइनिंग इट। तो जो स्केल है उसमें जीरो कहाँ लगाना है, इस नीडल को ऐसे फिक्स करना है या ऐसे फिक्स करना है, वो तो सब हमारे हाथ में है ना, जहां पर भी हम डिजाइन करेंगे वो वैसे बन जाएगा। तो आपने नीडल को यहाँ लगा दिया और ये स्केल ऐसे चलता है यहाँ पर, और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, तो एज सून एज द करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द कॉइल, ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था, तो टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कॉइल एन आई ए क्रॉस बी, ये टॉर्क लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क द नीडल द कॉइल इट टर्न्स लाइक दिस, जब ये कॉइल ऐसे टर्न करेगी तो नीडल घूमकर आगे चला जाएगा, ठीक है, और देन अगर ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो नीडल ज्यादा आगे जाएगा, और अगर हम उसको कम करंट फ्लो कराएंगे तो नीडल कम जाएगा। तो सपोज 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने से नीडल यहां से यहां चला जाता है, तो यहां हमें क्या लिखना चाहिए, 1 एम्पियर। ये तो लैब में जिस जो मैन्युफैक्चरर है उसकी एक स्टैंडर्ड लैब होगी, वहां पर वो ध्यान से देखेगा कि मैंने जो डिवाइस बनाई है उसमें मैंने इतने टर्न रखे, इतना साइज था, इतना करंट फ्लो कराया, ठीक है। तो कोई उसके पास पहले से कोई इंस्ट्रूमेंट होगा या मेथड होगा करंट मेजर करने का, ठीक है, तो देन वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करेगा और इसकी कैलिब्रेशन करेगा। कैलिब्रेशन मतलब ऐसे मार्क्स लगाएगा कि कितना करंट फ्लो कराने से ये नीडल कहाँ आ जाएगी, 2 एम्पियर से ही आएगी, 3 से ही आएगी, 4 से ही आएगी, 5 से ही आएगी, या अब यूजली 1 एम्पियर से यहाँ नहीं पहुंचेगी, ठीक है, तो मतलब 1 एम्पियर तो बहुत ज्यादा करंट है, मे बी 0.001 एम्पियर से ही आ जाएगी या उससे भी कम करंट से, क्योंकि यूजली ये जो गैल्वेनोमीटर बनता है दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इवन फॉर अ वेरी स्मॉल करंट इट एक्सपीरियंसिस अ वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन। व्हाट एक्सपीरियंसिस अ लार्ज डिफ्लेक्शन, द नीडल अटैच टू द कॉइल, ये नीडल कॉइल के साथ अटैच है, ये जो मेटल की वायर जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से ये डिवाइस बनाते हैं। अब ये तो एमिटर बन गया ऐसे, तो
वोल्ट मीटर बनाने के लिए भी सेम है, बिल्कुल सेम, नथिंग इज डिफरेंट. थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन है वो फिर अभी हम लास्ट में सीखेंगे, बट अल्टीमेटली हार्ट ऑफ द डिवाइस इज सेम. ये एक्सप्रेशन समझ में आएगा आपको, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है बेटा? टॉर्क, ठीक है, ये टॉर्क लग जाएगी इसके ऊपर. और अब आप देखो, पहले जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो बिफोर वी मेक अ करंट फ्लो थ्रू द वायर, ये जो मेटल की कॉइल है उसमें से करंट फ्लो कराने से पहले ये कॉइल की वायर्स है, राइट, रेक्टेंगुलर वायर्स ऑफ द कॉइल. तो देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर, तो बिफोर द करंट इज फ्लोन, इमेजिन के जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ऐसे करंट फ्लो कराने से पहले ये सिलिंड्रिकल ड्रम था ऐसे, और ये कॉइल है जो आपने इस पर बाइंड की हुई है. तो इसके लिए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की आप देखो खास बात क्या है, ये अभी यहां पे मैंने ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइंग इन दैट प्लेन ओनली, मतलब व्हेन द कॉइल इज इन दिस वे, तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इसके लिए ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इफेक्टिव है. मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का जब कॉइल इस ओरिएंटेशन में है जिसमें मैंने अभी दिखाया, बिफोर द करंट वाज फ्लोन, बिफोर इट डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क, विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर इफेक्टिव फॉर द कॉइल, बिकॉज दीज फील्ड लाइंस दे लाई आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, और उन ये वाली जो फील्ड लाइंस है ये ऐसे आ रही ना ऊपर से नीचे तक, मतलब थ्रू आउट, ये वाली जो फील्ड लाइन है ये तो थोड़ी सी कर्व कर जाएगी, ये स्ट्रेट नहीं है, ये भी थोड़ी सी कर्व कर रही है, थोड़ी सी ऐसे आ रही है, लेकिन बीच में जो फील्ड लाइन जा रही है वो तो स्ट्रेट जा रही है, ऐसी ये भी बीच वाली है. सो सेंट्रल प्लेन में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो स्ट्रेट जा रही है. तो ये जो सेंट्रल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये स्ट्रेट फील्ड लाइंस ऐसे, कॉइल उन्हीं के प्लेन में है. और अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो जो एरिया वेक्टर आएगा कॉइल का वो किस तरफ आएगा, वो ऐसे आएगा एरिया वेक्टर, ठीक है, या तो ऐसे आएगा इस तरफ, बट ऐसे इमेजिन कर लो, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं. तो टॉर्क एक्सपीरियंस करते समय आई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 90 डिग्रीज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे. और जब ये मैग्नेटिक फील्ड घूमकर ऐसे आ गया, तो अब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके लिए ये वाली, देखना इस मैग्नेटिक इस कॉइल का ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट, दिस पार्ट, ये अब इसमें इस फील्ड लाइन और इस फील्ड लाइन के प्लेन में आ जाएगा, मतलब ऐसे, समझ में आ रहा है? सो व्हेन द कॉइल टर्न्स एंड गोज लाइक दिस, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे घूम के चल रही है इस तरीके से और ऐसे चल रही है. तो अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये वाली इसके प्लेन में आएंगी और कुछ फील्ड लाइन्स ये वाली इसके प्लेन में आएंगी. तो मतलब इस कॉइल के लिए तो जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो सेम एज इन द प्लेन, मतलब आई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्रीज कब आता है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाई इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, बिकॉज एरिया वेक्टर तो ऐसे है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके प्लेन में है तो बी और आई ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्रीज, ठीक है. सो व्हेन द, मतलब इसमें पर्पस आपको पता चल रहा है व्हाई वी हैव यूज्ड अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज व्हेन द कॉइल इज लाइक दिस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच लाई इन द प्लेन ऑफ द कॉइल आर इफेक्टिव इन अप्लाइंग द टॉर्क, व्हेन द कॉइल टर्न्स लाइक दिस इवन देन, अब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोई मतलब नहीं है जो ऐसे जा रही है, लेकिन जो यहां से ऐसे आ रही है ये ऐसे, और जो यहां से ऐसे आ रही है ये ऐसे घूम के, तो कुछ हाफ इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और कुछ हाफ इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो कॉइल के प्लेन में आ जाएगा. अब ये कॉइल है ना ऐसे आ जाएगी इस ओरिएंटेशन में, कॉइल के प्लेन में ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाई करती है थ्रू आउट, नीचे भी ऐसे और ऐसे, ये ऐसे आ रही है और नीचे वाली ऐसे आ रही है, समझ में. तो इफेक्टिवली आई और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, चाहे कॉइल घूम के यहां से यहां चला गया, इफेक्टिव एंगल बिटवीन B vector and IA vector is still 90 degrees. So the reason of using a radial magnetic field is that throughout the chai coil किसी भी orientation में अंदर है, concave shape के magnetic poles के बीच में, whatever be the orientation of the coil, the effective angle between the magnetic field and the dipole moment vector, मतलब IA vector और B vector के बीच में जो angle है वो same रहेगा, sin IA B sin 90. तो उसे torque maximize होती है. तो टॉर्क बिकम्स मोर, बिकॉज इफ यू हैव साइन थीटा हियर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1. सो द पर्पस ऑफ यूजिंग अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इफेक्टिवली द एंगल बिटवीन द आई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिमेन्स 90 फॉर ऑल ओरिएंटेशंस ऑफ द कॉइल. उससे मैक्सिमम टॉर्क लगती है, और मैक्सिमम टॉर्क लगने से हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, मतलब इवन अ वेरी स्मॉल करंट कैन बी मेजर्ड.
ठीक है, अगर ये टॉप कम है तो देन ऑब्वियसली कम करंट मेजर करेंगे ना, तो यू वॉन्ट के जो आपकी डिवाइस है इट शुड बी केपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल करंट्स ऑल्सो. सो इफ यू वॉन्ट टू डिजाइन अ वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, उसके लिए ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सर्व करती है. समझ में आया? तो इसकी कंस्ट्रक्शन को आपको समझ लिया आप लोगों ने अभी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स. अब इसमें एक ही चीज है, अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कोई यूज का नहीं है. रीजन, करंट फ्लो कराने से कॉइल नीडल की डिफ्लेक्शन हो रही है, इट इज गिविंग अ रीडिंग ऑन द स्केल. हम निशान भी लगा सकते हैं 1 एम्पियर यहां तक, 2 एम्पियर यहां तक, 3 यहां तक, 4 यहां तक, 5 यहां तक. सो देन व्हाई इट इज नॉट यूजफुल, बिकॉज व्हेन यू प्लेस दिस कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मेक अ करंट फ्लो थ्रू इट, तो ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क विल कॉज दिस नीडल टू टर्न लाइक दिस. ये तो ऐसे घूमती रहेगी, रुकेगी क्यों यहां जाके? व्हाई विल इट स्टॉप? ठीक है, जब टॉर्क लग रही है तो टॉर्क तो मतलब इस पर लगातार लगती रहे तो उसको घुमाती रहेगी ऐसे. तो इसको बैलेंसिंग टॉर्क चाहिए. मतलब सपोज ये कॉइल में आपने कुछ करंट फ्लो कराया, ये यहां से आ गया, तो देन अ बैलेंसिंग टॉर्क हैज टू अप्लाई इन द ऑपोजिट सेंस. एक टॉर्क तो इसको ऐसे घुमा रही है इस तरीके से, तभी ये यहां से नीडल यहां आ रही है. तो इसको दूसरी कोई बैलेंसिंग टॉर्क अगर हम नहीं लगाएंगे तो दिस विल नेवर स्टॉप एनीवेयर. ये तो ऐसे टर्न करता रहेगा बस. मैग्नेटिक फील्ड की जो टॉर्क लग रही है वो तो ऐसी लग रही है, इतनी वैल्यू की टॉर्क. तो उसके लिए आप क्या करते हो, इसके अंदर जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसके यहाँ पे बेस होता है. बेस मींस सम काइंड ऑफ अ लाइक, क्योंकि दिस थिंग इज हाउस्ड इन सम केसिंग, ये किसी केसिंग के अंदर है, और उस केसिंग के अंदर नीचे जो फ्लैट सरफेस है दैट एक्ट्स लाइक अ बेस. तो उस बेस के ऊपर यहाँ पे इसके नीचे, सिलेंडर के नीचे एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम लगा देते हैं. एक स्प्रिंग ही लगा देते हैं आप, ये समझो स्मॉल स्प्रिंग. तो वो स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल से बना होता है वो स्प्रिंग. दैट मटेरियल इज यूजली लाइक दिस मटेरियल, फॉस्फर ब्रॉन्ज, एक अलॉय होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज, उससे उस स्प्रिंग को बनाते हैं. ये कॉमन है, मतलब बिकॉज ये दिस मटेरियल लूजेज डज नॉट लूज इट्स इलास्टिसिटी ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, है ना. नहीं तो हर मटेरियल में लॉस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेंथ होता है. तो मतलब एज यू कंटिन्यूसली स्ट्रेच इट एंड देन लेट इट कम बैक, स्ट्रेच इट एंड देन अगेन लेट इट कम बैक, या कंटिन्यूसली एक के बाद एक डिफॉर्मेशन हो रही है तो वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर जाएगा. Then after a certain period of time, after deformation, it will not try to recover its original state. But phosphor bronze does not lose its elasticity over long periods of time. Repeated use ke baad bhi ye spring. So how does this spring act and how does it cause this needle to stop here? So agar isko aap dhyan se dekhte ho, to ye thoda sa hard hai kyunki last year humne class mein kiya isko, lekin zyada detail mein CBSE wali class mein nahi kiya. To वैसे बहुत easy है. तो ये जो metal ka case है नीचे, metal case तो ऐसे है, और जहाँ अभी इसको मैं magnify करके दिखा रहा हूँ इस spring को, तो ये स्प्रिंग का जो पार्ट नीचे बेस के साथ टाइड अप है वो ऐसे कुछ आ रहा है. बिकॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग विच टाइज टू द बेस इट कम्स लाइक दिस, उसको चाहे एडहेसिव से आपने लगाया या कुछ भी. तो ये फिक्स्ड है, मतलब ये जो स्प्रिंग का ये वाला पार्ट, ये टिप यहां पे मैं दिखा रहा हूं मैग्नीफाई करके. तो जब ये सिलेंडर ऐसे घूमता है तो बेसिकली ये जो स्प्रिंग का ये वाला पार्ट ये ट्विस्ट हो रहा है, जैसे आप टाल को रिंग करते हो, रिंगिंग ऑफ द टाल में वैसे ही. तो कॉइल जब ऐसे घूम रही है तो वो कॉइल इसको मरोड़ रही है, मतलब इट इज प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रेन इन दिस, शेयरिंग स्ट्रेन इन दिस स्ट्रिंग, इन दिस स्प्रिंग. जो स्प्रिंग है उसमें शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है. समझ में आएगा आपको कुछ? बिकॉज इट इज बीइंग ट्विस्टेड, इसको डिफॉर्म करे, ऐसे डिफॉर्म किया जा रहा है. तो जब ये डिफॉर्म होता है तो क्या होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो फिक्स्ड है लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो स्प्रिंग का है वो ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, इट इज गेटिंग ट्विस्टेड. तो जब ये नीडल यहां से यहां आती है तो बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन अंडरगॉन बाय द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होती है. रिस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, रिस्टोरिंग टॉर्क. ये समझ में आएगा क्यों रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रही है? जैसे रिस्टोरिंग फोर्स आती है वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क आती है. तो स्प्रिंग को आप ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो तो नीचे वाला पार्ट उसका फिक्स्ड है और ऊपर वाला पार्ट ऐसे घूम रहा है. तो देन वो आपको मालूम ही है कि अगर इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट सपोज हम फाइव बोलते हैं, सपोज द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज फाइव, तो जितनी ज्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क आएगी. मतलब द रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड इन द स्प्रिंग ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल थ्रू विच द स्प्रिंग हैज बीन ट्विस्टेड. तो अभी फॉर द टाइम बीइंग द एंगल थ्रू विच द नीडल मूव्स, दिस एंगल थीटा एंड फाई दे आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल, ये भी प्रोपोर्शनल है. तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है इसमें, या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं, the torque, restoring torque developed in the material of the spring, it is proportional to the angle of deflection. और यहाँ पे constant आ जाता है. तो जितने angle से अगर हम ज़्यादा deflect करते हैं तो ज़्यादा restoring torque आएगी. ठीक है,
तो अब ये दो टॉक्स हैं, दिस टॉक विल कॉज द स्प्रिंग टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग, अगर ये सिलिंड्रिकल ड्रम ऐसे मूव करता है करंट की वजह से, तो रिस्टोरिंग टॉक फिर ऑपोजिट सेंस में डेवलप होगी, और जहां पर ये दोनों बैलेंस कर जाएंगे, एक टॉक ऐसे और दूसरी टॉक ऐसे, जहां पे दोनों टॉक्स बैलेंस कर जाएंगे वहां पे ये नीडल रुक जाएगी, देयर द नीडल स्टॉप्स, अंडरस्टूड। तो अब ये स्टोरी है, अब इसके अंदर से सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। तो एक बार फिर से अगर हम मैग्नेटिक पोल्स को ड्रॉ कर दें, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंटेन्स टू कनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स लाइक दिस। दीज मैग्नेटिक पोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज हेल्पफुल इन कीपिंग द इफेक्टिव एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्रीज थ्रू आउट। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग द डिवाइस मोर सेंसिटिव। ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये आपके नोट्स में लिखा होगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। और नॉन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ इन सच अ फील्ड और अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, द सम पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज रिमेन इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, सो दैट द इफेक्टिव एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट रिमेन्स 90 डिग्रीज। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ये करंट के टॉर्क है, इसमें साइन थीटा नहीं आएगा, साइन 90 आएगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इंश्योर्स दैट दिस एंगल इज ऑलवेज 90, सो टॉर्क एक्सपीरियंस इज मैक्सिमम। एंड अब ये आपके पास सिलिंड्रिकल ड्रम है, यहाँ पर एक बार मैं सिलिंड्रिकल ड्रम को भी, यहाँ पर सिलिंड्रिकल ड्रम है और इसके साथ नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो बेस के साथ टाइड है, और यहाँ पे एक दोबारा से यहाँ पे एक स्केल है, सर्कुलर स्केल ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक नीडल है, तो ये इतना सिंपल टॉपिक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं इसको। लाइक यहाँ पे एक बाइंडिंग है, इसकी एग्जैक्ट डिज़ाइन में और बहुत सारी फीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस क्लास में तो इतना ही करना है। और जब ये कॉइल बिल्कुल बीच में है ऐसे, ठीक है, व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू द कॉइल, तो देन अ फील्ड लाइन विच पासिस लाइक दिस स्ट्रेट, ठीक है, दैट लाइज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है। एंड अभी ये ऐसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये नीडल है विच शुड रेस्ट अगेंस्ट जीरो, जीरो एम्पियर करंट इज बींग रेड। एज सुन एज अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू दिस कॉइल, द नीडल एक्सपीरियंसेस अ डिफ्लेक्शन, ठीक है, थ्रू अ सर्टेन एंगल। तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। मोर दिस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मोर दिस स्प्रिंग वायर गेट्स ट्विस्टेड, सो द रिस्टोरिंग टॉर्क कॉल्ड इन टू प्ले इन साइड द मेटेरियल ऑफ द स्प्रिंग इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसको एक्चुअली यहाँ पे ये जो फाई होता है ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है। एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब ये कितने एंगल से, अब जैसे ऐसे है ना, अब ये स्प्रिंग की वायर है, तो अगर इसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं, क्योंकि ये तो बेस के साथ फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। इफ यू इमेजिन अ वायर विच इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज ड्रॉन लाइक दिस, तो क्योंकि ये वाला पॉइंट लास्ट ईयर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है बेस के साथ, तो जब इसको ट्विस्ट कर रहे हैं ऐसे, तो ट्विस्ट करने की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी। So then this angle is called as the angle of, ऐसे तो ये shearing strain है, ठीक है। तो इसको ये इस एंगल को हम phi बोल रहे हैं, ऐसे इसको घुमा रहे हैं, तो ये वाला एंगल phi, यही वाला एंगल है, ऐसे इमेजिन कर लो आप, ठीक है। ये इसको हम कपल ऑफ, ये कॉन्स्टेंट सी बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ना, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi, मोर दी डिफॉर्मेशन, मोर दी शेयरिंग स्ट्रेन, मोर इज दी रिस्टोरिंग फोर्स टॉर्क कॉल्ड इन टू प्ले एज लॉन्ग विद इन द इलास्टिक लिमिट, यही बोलते ना हुक्स लॉ के लिमिट्स में, बिकॉज तो ये आपके पास आएगी, ये करंट की वजह से टॉर्क है, और ये टॉर्क इस येलो वायर के ऊपर जो इसकी इलास्टिसिटी की वजह से लग रही है। तो जिस पोजिशन में जाके रेस्ट करती है नीडल, सपोज अ करंट आई इज फ्लोन थ्रू द कॉइल, सो वेयर द नीडल रेस्ट देन बोथ दीज टॉक्स दे बैलेंस ईच अदर, ये दोनों टॉक्स बैलेंस करती है ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर सी का मीनिंग, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, सी इज रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू इलास्टिसिटी डिवाइड बाय फाइव, तो इसलिए हम सी को यूजली वी कॉल इट एज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू इलास्टिसिटी पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब अगर इसमें हम फाइव को वन कर दें तो सी बिकम्स इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। सो हाउ इज सी डिफाइंड,
The constant C is defined as the restoring torque experienced per unit angle of twist by the wire of this spring. ठीक है, by the wire of the spring. तो ये आपके पास दोनों equal आ जाएंगे जहां पे ये needle ऐसे rest करता है. और if ये अगर ये torque नहीं लग रही है फिर तो needle कहीं रुकेगी ही नहीं, एक ही torque लग रही है उसके ऊपर, फिर reading कैसे आएगी. तो अब यहां से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. देखो अब इसमें से ये इक्वेशन क्रूशियल है, इसमें यहां तक पहुंचना मुश्किल नहीं है. ये समझ में आएगा बेटा, स्मॉल सी कप, आपके नोट्स में ये लिखा होगा स्मॉल सी के बारे में. स्मॉल सी इज कपल, कपल मीन्स द सेम थिंग एज टॉर्क. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको देख लो आप. तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन फाइव, ऐसे लिखते हैं. देख लो आपके नोट्स में दिया हुआ, एक बार नोट्स निकाल कर देखो. सेम सिंबल है ना आपके पास, है ना, शेयर करने को. हाँ बेटा, सेम सिंबल है ना आपके पास, देख लो. इसमें जो इसने डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस किया है और जो एंगल ऑफ शेयर है और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो सब प्रोपोर्शनल है एक तरीके से. तो अभी हमने रफली इसको ऐसे कर दिया बिकॉज इसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी कुड बी एनीथिंग. तो अब इसमें देखो ये तो कांस्टेंट है, तो अब इसमें से दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. देखो एक तो ये आएगा, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे. देखो वाई दिस नीडल डिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, नीडल डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है बेसिकली, बिकॉज जो नीडल के जो इस कॉयल के दो फ्री एंड्स हैं, हमने उन दोनों के उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई किया. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने जब वोल्टेज अप्लाई की तभी तो करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो व्हेन यू अप्लाई अ वोल्टेज बिटवीन दीज टू एंड्स दैट कॉजेज द करंट टू फ्लो. ठीक है, तो अगर आपने सपोज जो वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के बीच में अप्लाई किया, सपोज यहां पर हम करंट की वैल्यू लिखने की जगह हम उस वोल्टेज की वैल्यू लिख देते हैं 1 वोल्ट, लेट सपोज. ठीक है ना, तो देन दिस बिकम्स अ वोल्ट मीटर. बस आपको ऊपर ही कुछ रेलेवेंट चीज लिखनी है. ठीक है ना, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एमीटर और वोल्ट मीटर अलग चीज है. ठीक है, फिर बाकी अभी फाइन डिवीजन हम देखेंगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन द करंट कैरिंग व्हेन द कॉइल एक्सपीरियंस अ डिफ्लेक्शन इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सम वोल्टेज हैज टू बी अप्लाइड बिटवीन द एंड्स. अब सपोज हमने यहाँ पे वी वोल्टेज अप्लाई की, तो अब यहाँ पे आप वी वोल्ट लिख दोगे. सपोज वी इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे 1 वोल्ट, इफ दिस वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट. ठीक है, या अगर आपने करंट फ्लो लिख दिया, अब सपोज इसमें से कुछ करंट फ्लो बिकॉज ऑफ अप्लाइंग दिस वोल्टेज अ सर्टेन करंट फ्लोज इन दिस कॉइल, मे बी वेरी लार्ज करंट फ्लोज, लेट्स से 10^6 amperes करंट कैन फ्लो. व्हाई सच अ लार्ज करंट कैन फ्लो ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट, बिकॉज ये जो कॉइल है यहाँ पर जो हमने वाइंड किया उसकी रेजिस्टेंस यूजली बहुत कम होती है, इट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. So even with a small voltage of 1 volt, a huge current can flow through it, generally. ठीक है, तो फिर आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 10^6 amperes, 10^6 amperes लिखना पड़ेगा. मतलब यह है कि ये reality है, in actual practice the coil has a very very small resistance. ठीक है, तो उस वजह से large current will flow through. अब और practically lab में हमें इतने currents कभी measure नहीं करने, लैब में तो हमें 4-5 amperes मैक्सिमम 10 amperes लगा लो स्कूल लैब में कॉलेज लैब में, ये करंट मेजर करने, ये कॉमन है. यहाँ से कितना करंट निकल रहा होगा आपको मालूम है. ठीक है, फ्यूज रेटिंग्स आपने पढ़ा क्लास 10th में, 6 amperes 8 amperes 10 amperes पार प्लग में से करंट निकल सकता है मे बी. तो इतने ज्यादा करंट को मेजर क्या करना होगा, हमें कभी नहीं करना होगा. वी हैव टू यूजली मेजर वेरी स्मॉल करंट्स ओनली अप टू 5 to 10 amperes. सो वी हैव टू मॉडिफाई दिस डिवाइस बिकॉज द ओरिजिनल डिवाइस विच वी क्रिएट इज वेरी वेरी सेंसिटिव. Even for small voltages, huge currents can flow. ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो, even for a small current of 1 ampere, the deflection will be very large. 1 ampere current करने से तो ये यहाँ आ जाएगा. 1 ampere current करने से तो यहाँ पे आ जाएगा. मतलब और क्योंकि उसके पास और आगे जाने की जगह ही नहीं है. It has no other space to go. तो मे बी इसको तो और आगे आना चाहिए था 1 ampere से. 0.001 ampere से यहाँ पे आ जाएगा या उससे भी कम. तो इन रियलिटी फॉर अ वेरी स्मॉल करंट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विल बी अचीव्ड. तो फिर 1 ampere कैसे मेजर करेंगे जब 0.0001 ampere से ही वहीं पे आ जाएगा. तो उसको फिर मॉडिफाई करना पड़ता है ओरिजिनल डिवाइस को. ठीक है, तो इससे हम दो तीन टर्म सीख सकते हैं. देखना बेटा,
इस क्वांटिटी से दो तीन टर्म्स हम सीख सकते हैं. तो एक तो इसमें आ रहा है जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस. ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, एक ये टर्म है करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन ऐसे करते हैं, फाई को और आई को आप एक तरफ ले जाओ, इसको भी उस तरफ और इसको इस तरफ, ठीक है ना. तो दूसरी तरफ आ जाएगा एन ए बी अपॉन स्मॉल सी. अब व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल विच हैज बीन बाउंड ऑन द सिलिंड्रिकल कॉइल. ए इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल, वो तो इजीली कंप्यूट हो जाएगा. ठीक है, बी इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड सी इज द कपल पर यूनिट ट्विस्ट विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग. उसकी भी फिक्स वैल्यू होगी कुछ, जो हमको एक्सपेरिमेंटली मालूम होगी. तो ये जो रेशो है, इस रेशो को, इस इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करते समय हम अल्फा आई से नोट करते हैं. दिस रेशो फाई अपॉन आई, इट इज कॉल्ड एज द डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस पर यूनिट करंट. मतलब अगर हम अल्फा आई का मीनिंग समझना चाहते हैं तो इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉयल फॉर यूनिट करंट. मतलब अगर हम आई को 1 एम्पियर लेते हैं तो अल्फा आई किसके इक्वल हो जाएगा? फाई के इक्वल. सो अगर आप ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस बनाते हो तो 1 एम्पियर करंट से डिफ्लेक्शन फाई ज्यादा होनी चाहिए ना. नहीं, तो दिस रेशियो इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस, इट इज सपोज टू बी अ मेजर ऑफ करंट सेंसिटिविटी. तो 1 एम्पियर करंट से तो ये पता नहीं कितने हंड्रेड ऑफ डिग्रीज में भी बहुत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि इवन फॉर अ 0.001 एम्पियर करंट ये लार्ज वैल्यू आ जाएगी. तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल पर यूनिट करंट. ये समझ में आएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल पर यूनिट करंट. तो इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं. देखना, हाउ कैन यू मॉडिफाई? अब सपोज ये जो यहाँ पे हमने कॉइल ऐसे वाइंड किए इस तरीके से, तो वैसे तो इसकी रेजिस्टेंस को हम बाद में कैलकुलेशंस में वी विल बी एबल टू टेक इट एज कैपिटल जी. कैपिटल जी सपोज जो ये करंट कैरिंग कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो देन अगर मैं इसमें कैपिटल जी ले लूँ एक बार, लेकिन इसमें कई सारे कन्फ्यूजन है ना, तो क्योंकि इसमें कैपिटल जी कई जगह पे कुछ और यूज होते हैं, तो लेट्स कॉल दिस एज आर ओनली फॉर द टाइम बीइंग. कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल. ठीक है, तो अगर हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई किया वी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसी की वजह से तो करंट फ्लो कर रहा है ना. कई सारे लोग कहेंगे नहीं दी, करंट तो फ्लो ही कर रहा है. तो करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज इस्टेब्लिश हो जाएगी. इट इज वन एंड द सेम थिंग. सो इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग. तो अगर रेजिस्टेंस इसकी आ रहा है और इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो देन व्हाट डू वी से? ठीक है, वोल्टेज कितनी अप्लाई होगी इसमें? तो बिकॉज वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर. आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल एंड अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज इक्वल टू आई. देन आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं वहां से वी अपॉन आर से. तो ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें आई को अगर आप वी अपॉन आर से रिप्लेस करते हो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, वी अपॉन आर सी. अब इसमें व्हाट डज वी स्टैंड फॉर? वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड आर स्टैंड फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल. तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसमें से हम एक दूसरी क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं. फाई अपॉन आई था ना इसमें, तो अब वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड एज फाई अपॉन वी. फाई अपॉन वी, देखना फाई यहाँ पे और वी नीचे, तो ये आ जाएगा एन, ये तो ए है राइट, एन ए बी अपॉन सी इंटू कैपिटल आर. दिस रेशो इज डिफाइंड एज अल्फा वी. इसको हम अल्फा वी बोलते हैं. वी कॉल इट एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस. ये वी कॉल दिस रेशो. तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी. और इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल सी अपॉन एन ए बी, इसको यूजली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं एंड वी कॉल इट एज द गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं. और ऐसा बोलते हैं कि जितना ज्यादा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा. इट विल बिकम, क्योंकि जितना ये कम होगा, अल्फा आई कम होने का मतलब क्या है? देखो अगर, चलो अभी करते हैं इसको अंदर. तो यहाँ पे हम इसको अभी याद रखेंगे, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं इस रेशो को. ठीक है, ये याद रख लो. अब इसमें देखो, पहले इसको डिफाइन करो वोल्टेज सेंसिटिविटी को इस इक्वेशन से. हो जाएगा डिफाइन? हाउ डू वी अंडरस्टैंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस? इफ वी इज कैप्ट इक्वल टू 1 वोल्ट्स, देन अल्फा वी इज इक्वल टू 5. तो ऐसे बोलते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अंडरस्टूड एज द डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल पर यूनिट वोल्टेज. ये तो इजी है ना, अल्फा वी.
तो यहां से देखो, अब आप इसके बारे में आर्ग्यू कर सकते हो, इफ यू वॉन्ट अ मोर सेंसिटिव डिवाइस दैट मीन्स फॉर अ स्मॉल करंट दिस एंगल शुड बी लार्ज. ठीक है, तो इफ अल्फा इज लार्ज देन दिस रेशियो हैज टू बी स्मॉल. ये वाली वैल्यू तो कम होनी चाहिए ना. ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू, सॉरी नॉट दिस, ये तो लार्ज होनी चाहिए. ठीक है, इफ अल्फा इज को हम चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट दिस वैल्यू टू बी लार्ज, तो इसका रेसिप्रोकल कम होना चाहिए. तो जितना कैपिटल जी की वैल्यू कम आएगी, उतना ही सेंसिटिव करंट सेंसिटिविटी उस डिवाइस की ज्यादा हो जाएगी. इट विल बिकम मोर करंट सेंसिटिव. तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है, बस ये मालूम होना चाहिए दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड. तो ये क्वेश्चन है, एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. सो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज सी अपॉन एन ए बी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ कॉइल्स इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, बी इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल हैज बीन प्लेस्ड, सी इज द इलास्टिक कांस्टेंट रिलेटेड टू द मेटेरियल ऑफ द स्प्रिंग वायर विच इज अटैच टू द कॉइल. ठीक है, एंड वो उसका कपल पर यूनिट ट्विस्ट होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा. और कैपिटल जी, बस इसकी डेफिनेशन याद करनी है आपको, आपके नोट्स में दिया हुआ बेटा, देख लो एक बार. उसमें कैपिटल सी यूज किया हमने, स्मॉल सी यूज किया. तो जो भी आपको मैंने पॉइंट्स इसमें बताए हैं, वो सारे आप इसमें से पढ़ सकते हो. एक बार पढ़ना जल्दी से क्विकली रीड कर लो आप एक बार. जो अभी आपको इंस्ट्रूमेंट बताया उसका कोई यूज नहीं है. रीजन मतलब जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने अभी बनाया, जिसका स्ट्रक्चर हमने समझा अभी, ठीक है, तो बेसिकली इट इज यूजलेस बिकॉज इवन फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल करंट, मे बी इतना, ये कितना हो जाएगा 10^-5 amperes, राइट, इसी के लिए नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगी. फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब जो आपका स्केल है इसमें, वहां पर लास्ट में पहुंच जाएगी, मे बी इससे भी कम करंट से लास्ट में पहुंच जाएगी. तो प्रैक्टिकली हमें मेजर करना है 1 ampere, 1.5 amperes, ये करंट तो मेजर करना उससे पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव डिवाइस. सो वी कैन मॉडिफाई द ओरिजिनल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर. हम उसकी मॉडिफिकेशन करके उसको, ठीक है, एमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्जन टू एमीटर मतलब हाउ यू क्रिएट एन एमीटर आउट ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, उसमें तो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब दिया हुआ है, वहां से पढ़ लोगे आप. ठीक है ना, तो हाउ यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमिटर ऑफ डिजायर्ड रेंज. ऑफ डिजायर्ड रेंज मतलब सपोज, अब आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट सिंबल, सपोज आपको मैक्सिमम करंट जो मेजर करना है वो इतना मेजर करना है, सपोज 5 एम्पीयर्स करंट आपको मेजर करना है. यू वांट टू डिजाइन एन एमिटर विच मेजर्स करंट फ्रॉम 0 to 5 amperes, सो दैट इज कॉल्ड एज द रेंज. अगर हमें इतना करंट मेजर करना है, लेकिन जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर जो कॉयल है वो लेट से इतने करंट के लिए ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है. मतलब ये कितना करंट होगा, 1 microampere, 10^-6, 10^-3, 10^-4, तो इतने करंट को वो अभी मैक्सिमम मेजर कर सकती है. और आपको इतना करंट मेजर करना है 5 amperes लेट से. सो हाउ कैन यू मॉडिफाई द ओरिजिनल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज. तो उसका मेथड क्या, एक ट्रिक यूज करते हैं. तो जो मैंने आपको गैल्वेनोमीटर कॉइल दिखाई थी, अभी उसको हम ऐसे दिखाते हैं. लेट्स शो द गैल्वेनोमीटर कॉइल लाइक दिस. ठीक है, अब उसके दो एंड्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना सिलेंडर के साथ दो एंड्स, एक जिस एंड से करंट उसको एंटर करता है, वेयर द करंट एंटर्स, एंड द अदर एंड इज वेयर द करंट लीव्स, राइट. और जब करंट एंटर करता है और लीव करता है तो फिर डिफ्लेक्शन होती है उसकी. तो नाउ सपोज वी वॉन्ट टू हैव अ सिस्टम वेयर इन ये जो चीज है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, मतलब ये कॉइल की रेजिस्टेंस है. जो कॉइल थी जो सिलेंड्रिकल ड्रम पे वाउंड थी, ये वही कॉइल है. अब उसके हम रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं. अब सपोज वी हैव अ सिस्टम जिसमें हम इतना करंट देते हैं, मैक्सिमम करंट इतना देते हैं, तो इस करंट से जो नीडल है वो कहां पर आनी चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम करंट आप मेजर करो, नॉट दिस. अभी क्या है, इस करंट के लिए नीडल लास्ट में पहुंच जाती है. वी वॉन्ट टू हैव अ न्यू एमिटर और वी वॉन्ट टू कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सो दैट वेन अ करंट आई एम इज गिवन टू दिस कॉइल देन द नीडल शुड रीच द लास्ट. बाकी चीजें सेम रहेंगी, ये स्केल है यहां पर ऐसे, ये स्केल है ऐसे, तो नीडल यहां से जीरो से यहां पे कब आए, जब इतना करंट कॉइल को दे तब. तो इसमें हम एक मेथड यूज करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रिक. इसमें हम यहां पर एक अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस
पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, वी कनेक्ट एन अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस यूजली बहुत कम वैल्यू की होती है, इट हैज अ लेस वैल्यू इटसेल्फ, ठीक है। सो समटाइम्स दिस पैरेलल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ शंट रेजिस्टेंस, शंट, शंट इज अनदर वर्ड यूज फॉर पैरेलल, तो उसमें आप सोचना मत कि गैल्वेनोमीटर में कोई स्पेशल टर्म आ गई। सो अनदर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, आई डोंट नो व्हाट सिंबल हैज बीन यूज्ड फॉर दैट, मे बी एस, इन्होंने क्या दिया, यही दिया क्या, ये नहीं दिया, आरपी, तो आरपी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स कॉल दिस एज आरपी बिकॉज इट इज अ पैरेलल रेजिस्टर। अब इसमें आई एम करंट इसमें से एंटर कर रहा है, राइट। तो अब ट्रिक क्या है, बिकॉज आपको गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसको लास्ट में पहुंचाना है, तो वी अरेंज द इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करनी है कि इसमें से तो इतना ही करंट जाए आई जी और रिमेनिंग करंट इसमें से पास हो जाए, मतलब ये बाईपास मैकेनिज्म है। वी क्रिएट अ रेजिस्टर, वी कनेक्ट अ रेजिस्टर टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल इन पैरेलल, जैसे यहां पे था ना, ये ऐसे सिलेंड्रिकल ड्रम था और यहां पे ये आपके पास मेटल की वायर है, ये उसका फ्री एंड है और ये कॉइल है, ऐसे वाउंड किया आपने और ये उसका दूसरा फ्री एंड है, इनके साथ पैरेलल में हम यहां पे एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ये आरपी यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि, और बाहर आपको क्या दिख रहा है, बाहर से आपको ये टर्मिनल दिख रहे हैं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, जो ऊपर मैंने बनाए थे ना रेड और ग्रीन, रेड और ब्लैक स्क्रूज, वो यहां पे होते हैं ऊपर कहीं ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो अब जैसे ही हम इसमें से हम करंट भेजेंगे आई एम, तो उस करंट का इसमें से जो पार्ट जाएगा दैट विल बी आई जी, तो क्योंकि इसमें से आई जी पार्ट जाने से नीडल कहां चली जाएगी, लास्ट में, इसकी नीडल तो लास्ट में पहुंच गई, और रिमेनिंग करंट कहां से पास हो गया, रिमेनिंग करंट मतलब कितना आएगा, आई एम माइनस आई जी, दिस करंट फ्लोस थ्रू दिस वायर। सो वी हैव यूज्ड अ बाईपास मैकेनिज्म बाई गिविंग अ करंट आई एम टू द मीन्स गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ओनली अ करंट आई जी फ्लोस थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड द रिमेनिंग इज बाईपास थ्रू दिस रेजिस्टर। तो अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस करंट के लिए आएगी, अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई एम के लिए आएगी इफेक्टिवली। तो जस्ट एक रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करने से इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एन एमिटर ऑफ डिजायर्ड रेंज, ठीक है। अब आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी वोल्टेज होगी, यहां से यहां तक कुछ भी वोल्टेज होगी वी। तो अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है, गैल्वेनोमीटर कॉइल के अक्रॉस, वो आएगी आर जी इंटू आई जी, ये वोल्टेज इसके एंड्स के बीच में और इसके एंड्स के बीच में भी सेम वोल्टेज है, वो कितनी आएगी, आई एम माइनस आई जी इंटू आर पी। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और एक क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है इनमें से, ठीक है। मिड टर्म और प्री बोर्ड में तो वैसे ही आते रहते हैं, तो पक्का ही आएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो आ सकता है मे बी, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, आई जी द करंट फॉर विच द गैल्वेनोमीटर कॉइल गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आई एम द मैक्सिमम करंट विच इज टू बी मेजर्ड, आर पी the resistor which must be connected into parallel so as to convert this moving coil galvanometer into an ammeter of the desired range. आ जाएगा समझ में ये। अब इसके साथ लिंक देखो, आप क्या क्वेश्चन दिया है लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में दो न्यूमेरिकल्स दिए, जस्ट टू प्रॉब्लम्स आर देयर एंड आई थिंक वन और टू प्रॉब्लम्स आर इन द एग्जांपल्स आल्सो, सो लेट अस सॉल्व। इनमें से कौन सा हमें करना होगा, देखना नीचे वाला करना होगा पहले, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम्स, तो इसमें लिख दो आप आर जी की वैल्यू 15 ओम्स एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर आई जी की वैल्यू 4 × 10⁻³, 4 × 10⁻³, हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमिटर ऑफ डिजायर्ड रेंज।
सोचना बेटा, हाउ विल यू डिजाइन अ वोल्ट मीटर यूजिंग दिस। देखो बिफोर वी गो दैट, इस प्रॉब्लम को करने में तो बस आपको यही करना है कि दैट आप ना इस डायग्राम को विजुलाइज करो। बस डायग्राम से ही आपको देखना है, यहां से यहां तक भी वोल्टेज आई जी इंटू आर जी आएगी और यहां से यहां तक भी वोल्टेज आई है माइनस आई जी। तो डायग्राम को विजुलाइज करके करो, फिर ये रिजल्ट इजिली याद हो जाएगा। और ये याद होना चाहिए कि करंट को अगर आपको इसको एमिटर ऑफ डिजायर्ड रेंज में कन्वर्ट करना है तो ये बस आपको याद रखना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा करंट आपको मेजर करना है इट हैज टू बी बाईपास टू सम रेजिस्टर, तो पैरल में आएगा। ठीक है, पैरल में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करंट है उसको तो हमने एक तरीके से बाईपास कर दिया, इसमें से रेलेवेंट करंट ही फ्लो कर रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला। समझ आ जाएगा ये तो। बाकी आप सोचो, अगर आपको ये यहां पे हम हेडिंग लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कन्वर्जन टू अ वोल्ट मीटर, नाउ कन्वर्जन टू अ वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज, व्हाट डज दैट मीन। अब इसमें भी दोबारा से वही है, जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है वो तो बहुत ही सेंसिटिव है। व्हाट दैट डज मीन इज बेसिकली फॉर अ वेरी स्मॉल वोल्टेज, जो इसके फ्री एंड्स हैं, जो इसके फ्री एंड्स हैं उनको अगर हम 0.0001 वोल्ट्स वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं तो नीडल लास्ट में पहुंच जाती है। और जो अभी हमने सेल निकाल के इसमें चेंज किया वही अभी 1.5 वोल्ट्स का सेल है, मतलब ये जो छोटे छोटे सेल हैं जो क्लॉक्स में डालते हैं वो तो 1.5 वोल्ट्स के सेल होते हैं। तो मतलब नॉर्मली हमें 5, 4, 6 वोल्ट्स वोल्टेज तक मेजर करनी होती है स्कूल लैब में, मैक्सिमम 10 वोल्ट्स लगा लो या उससे ज्यादा यूजली नहीं करनी पड़ती, ठीक है, बट कर सकते हैं 14, 15 तक। तो लेकिन ये तो बहुत थोड़ी सी वोल्टेज देने से ही इसकी नीडल लास्ट में पहुंच रही है, तो प्रैक्टिकल यूज तो इसका कोई है ही नहीं, इतनी कम वोल्टेज को कहां मेजर करना है आपको। सो वी कैन मॉडिफाई द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अवर वोल्टमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। तो अभी ये वोल्टेज को हम वीजी मान लेते हैं। व्हाट डज वीजी स्टैंड फॉर? द वोल्टेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल व्हिच गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। नाउ सपोज वी वांट टू मेजर दिस हाई वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज सपोज 5 वोल्ट्स और 10 वोल्ट्स एंड वी वांट टू मॉडिफाई दिस गैल्वेनोमीटर सो दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर दिस द गैल्वेनोमीटर कॉइल शुड गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर दैट वोल्टेज। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो अगेन लेट अस इमेजिन ये वाला सर्किट है। अब ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, इसकी रेजिस्टेंस है लेट्स से आर जी, ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि जब हम इसके एंड्स के बीच में ये वोल्टेज ना लगाकर जब हम वो वाली वोल्टेज लगाएं तब फुल स्केल डिफ्लेक्शन आए, देन फुल स्केल डिफ्लेक्शन कम्स। तो उसके लिए देखो आप, पहले जब आप ये वाली वोल्टेज अप्लाई करते हो तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा गैल्वेनोमीटर कॉइल में से ये वोल्टेज अप्लाई करने से? तो जो अभी हमने लास्ट में किया था एग्जैक्टली इतना, क्योंकि इतने करंट से ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन आती है ना। तो आर जी इज इक्वल टू वी जी ऐसे आएगा। जब ये वोल्टेज हमने अप्लाई की फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्यों आई? बिकॉज गैल्वेनोमीटर में एग्जैक्टली इतना करंट आ रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट। तो अब इसके लिए मेथड क्या है कि इसमें हम एक सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं। वी कनेक्ट अ सीरीज रेजिस्टर लाइक दिस, लेट्स कॉल इट एज आर एस। ये जो आपके पास यहाँ पे लास्ट में इसका एक एंड है, यहां से आप इसको एक सीरीज रेजिस्टर कनेक्ट करो और इसको हमने बाहर देना है, बाहर मतलब ऐसे जो यहाँ पे स्क्रूज से कनेक्ट होता है ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अब क्या होगा जब हम इन दो पॉइंट्स के बीच में, हम क्या चाहते हैं इन नीडल लास्ट में कब आए? जब आप इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी वोल्टेज अप्लाई करते करना चाहते हो, यू वांट टू हैव अ वोल्टेज वीएम। जब हम वीएम वोल्टेज अप्लाई करें तब नीडल लास्ट में पहुंचे, तो उसके लिए आपको सीरीज में रजिस्टर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा आई जी, बिकॉज फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितना आना चाहिए इसमें से? आर जी आई जी, और क्योंकि सीरीज में तो इसमें से भी सेम करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो अब इफेक्टिवली ये चीज है, ये तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इतना पार्ट तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये जो चीज है ये क्या है बेसिकली, दिस इज बेसिकली अ वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। बिकॉज जब हम इन दोनों एंड्स के बीच में इतनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से एग्जैक्टली आई जी करंट फ्लो कर रहा है सो दैट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज गिवन। तो बिल्कुल ईजी है, हम सिंपली इक्वेशन लिखेंगे तो आई जी इंटू आर जी, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप, ये इतना आ जाएगा इज इक्वल टू वी एम। सो दिस इज द डिजायर्ड मीन्स रेंज रिक्वायर्ड, तो इतनी वोल्टेज। तो इसमें हम सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं एंड ये वर्क करता है। अब इसको करने का फायदा तभी है जब आप एक प्रॉब्लम करते हो। तो देखना बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, पहले वाली प्रॉब्लम देख लो। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम्स, तो आर जी की वैल्यू कितनी आ गई 12 ओम्स।
एंड द मीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर आई स्मॉल मतलब कैपिटल आई स्मॉल जी है ना, आई जी इज इक्वल टू 3 × 10⁻³। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट है एंड वी वॉन्ट अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 18 वोल्ट 0 to 18। तो कैपिटल वी एम जो इसमें था ना, कैपिटल वी एम कितना चाहते हैं हम, 18 वोल्ट। ठीक है, वी जी इसमें हमने निकालने को नहीं बोला इनमें, लेकिन वी जी कितना आएगा, वी जी आएगा ये आई जी इंटू आर जी जो भी है, उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आप सिंपली एक क्वेश्चन यूज करो। तो आई जी की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 × 10⁻³। ठीक है, और आर जी की वैल्यू कितनी थी, 100 ओम्स 12 ओम्स, और ये आर एस तो आपको निकालना ही है इसमें, और वोल्टेज मैक्सिमम ये आ जाएगा 18। तो अब इसको देखो, अब ये उधर जाएगा तो ये 18,000 बन जाएगा अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू 12 + RS, तो ये बन जाएगा 6,000, राइट। तो आर जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6,000 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम माइनस करके लिख देंगे, है ना, 4988 कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 5988 ओम्स। तो मतलब इसमें माइनस ना भी करें तो ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतनी आती है, कई बार ये और भी कम दी हो सकती है, और एमसीक्यूज में कई बार यही आंसर दिया हो सकता है मे बी, ठीक है, तो उसको ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। या बोर्ड एग्जाम में तो आप पूरा कर दो, ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में एक रफ आंसर बनाने के लिए, जैसे मैंने उसमें कहा था ना 10⁻³, उसको आपको अप्रॉक्सीमेट करना होता है। ठीक है, मैं इसको फिनिश करने से पहले बेटा एक चीज डिस्कस करता हूँ, बाकी ये बिल्कुल ईजी है, आप पढ़ लेना, एक एक न्यूमेरिकल इसका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो हम कल खत्म कर देंगे, और आप बाकी के कल जो प्रॉब्लम्स ट्राई करते हो इसमें से आप कर लो, फिर देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश टुमारो इटसेल्फ, कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं इसमें से, तो व्हाट यू कैन डू इज आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मे बी। ठीक है, ये देखना बेटा, इसमें मैं एक स्मॉल थिंग वी वॉन्ट टू डिस्कस, तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इसमें, पूरी बुक्स लिखी हो सकती हैं गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही, राइट। तो इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंटेशन में दिस इज जस्ट वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, लेट्स से उसमें तो और भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एक टॉपिक होता है, उसमें वी ओनली थिंक अबाउट हाउ वी मेजर, मतलब उसमें मेजरमेंट डिवाइसेस बनाने का एक अलग से पेपर होता है, और भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सिखाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर कॉयल यूजली, जब हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर कॉयल की जो नीडल होती है, इट यूजली रेस्ट इन द मिडल ऑफ द स्केल ऐसे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर बाकी जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो कैसे कैसे करते हैं, वो हमारे हाथ में, हम नीडल को ऐसे भी फिक्स कर सकते हैं जब हम करंट डिजाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिजाइन एन एमीटर यू विल लाइक द नीडल टू बी फिक्स लाइक दिस, इफ यू वांट टू डिजाइन अ वोल्ट मीटर देन यू विल लाइक अगेन द नीडल टू बी फिक्स एट दिस एंगल, इफ यू वांट टू मेक अ गैल्वेनोमीटर ओनली, ठीक है, देन यू विल लाइक द नीडल टू कम लाइक दिस। ठीक है, बाकी चीजें आपको पता चली गई हैं इसमें, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो अल्टीमेटली एमीटर और वोल्ट मीटर एक ही चीज से बनते हैं, और उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एक कॉयल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल अ डिफ्लेक्शन इज एक्सपीरियंस बाय द कॉयल। ठीक है, वही बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, इट विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और सॉरी इन द एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस एज वेल, नॉट ओनली करंट बट वोल्टेजेस ऑल्सो। ठीक है, आएगा बेटा, बताओ समझ में ये, ठीक है, तो ठीक है, इसको अभी आज इतना कर लो। इसमें से जैसे हमारा एक 15 मिनट्स का थ्योरेटिकल पार्ट रह गया, बाकी ये प्रॉब्लम्स हैं आप ट्राई कर लो, ठीक है, आज ट्राई कर लो, फिर टुमारो अगेन वी विल हैव वन क्लास ऑन दिस, देन इट विल बी फिनिश्ड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम योर वेकेशन, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। तो इसको आप अगर आज नहीं खत्म करोगे तो फिर ये 10 दिन आपका बीच में रह जाएगा, तो आज इसको बैठ के आप खत्म कर लो, जो भी डाउट्स प्रॉब्लम्स लेनी है आपका ले लेना, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, जैसे इन्होंने 19 और 20 पूछा था अभी, तो वो 19 और 20 आप पूछ लेना, आप लोग ट्राई कर लो एक बार घर में।